आरबी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल रैली की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की तरफ से जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के सिपरा पथ पर एक बड़ी रैली आयोजित हो रही है, जिसे सामाजिक न्याय सम्मेलन की तरफ से नाम दिया गया है। इसको लेकर आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों भोपाल को लेकर कहा था कि भोपाल में जितने लोग उमड़े उससे कहीं ज्यादा लोग आपको बता दें कि यहां उमड़ेंगे, लेकिन उस समय में और यहां पर एक फर्क है। उस समय सर्दी का समय था और खुला आसमान और खुला मैदान था, लेकिन इस बार आपको बता दें कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गर्मी पड़ रही है और इसके लिए टेंट की भी व्यवस्था की गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी और उनके द्वारा जो उनके पदाधिकारी है वो आपको बता दें कि यहाँ पर टेंट और अन्य चीज़ों की व्यवस्था है वो देख रहे हैं, और जगह जगह पर कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी आ रहे हैं दूसरे जिलों से, दूसरे स्टेटों से, उनके लिए भी रहने और खाने की भी व्यवस्था जगह जगह पर आयोजित की गई है। यानी कुल मिलाकर बात है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से ये आज़ाद समाज पार्टी का जो सामाजिक न्याय सम्मेलन जयपुर के अंदर हो रहा है उसको लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है। दरअसल आपको बता दें कि मिल रही जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए जयपुर दौरे पर हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अब करीब आ गए हैं, माहौल गर्म हो गया है, सियासी सरगर्मियां भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा के साथ साथ अब कई सारे राजनीतिक दल भी अपना यहां पर भविष्य जमाने की और धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जन्म लेने वाली आजाद समाज पार्टी 20 अगस्त को जयपुर में सामाजिक न्याय सम्मेलन है वो आयोजित कर रही है, और इस सम्मेलन में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकेंगे। दलित और वंचित वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इस महासम्मेलन में SC ST और इनके अलावा कई अलग अलग समुदायों के कई सारे हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कई दिनों पहले भी अपने कार्यकर्ताओं से जयपुर कूच करने की अपील की थी। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ। आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।